गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 यूनिट 9 एक्सरसाइज 9.2। तो जो हमने 9.2 के जो प्रीवियस क्वेश्चन थे वो हमने पहले डिस्कस कर लिए, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द फॉलोइंग लेंथ दैट एंड हाइट। हम ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, हमने एरिया के ऊपर किया है, अब हमें वॉल्यूम के ऊपर करना है। तो मेरे पास 5a 3a स्क्वायर एंड 7a रेज़ टू पावर 4, तो लेंथ रहता है लेंथ 5a और ब्रेड्थ आ गया 3a स्क्वायर और हाइट आ गया 7a रेज़ टू पावर 4। वॉल्यूम आएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5a मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई 7a रेज़ टू पावर 4। तो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सारा के सारा आंसर आता है 105a रेज़ टू पावर, यहाँ 4 है 4 और 2 6 सॉरी 7। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया 105a रेज़ टू पावर 7। इसी का सेकंड पार्ट टाइप कर रहा हूं मैं, अब हमारे पास इसके जो सेकंड पार्ट है उसमें क्वेश्चन लिखा है 2p4q8r, तो 2p4q8r तो आ जाएगा 2p मल्टीप्लाई 4q मल्टीप्लाई 8r, तो आंसर आता है 64pqr 64pqr। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका हमारे पास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने राइट कर लिया, हमारे पास था एक्स वाई टू और एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई मल्टीप्लाई टू एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई टू एक्स वाई का स्क्वायर, तो एक्स टू टू जा फोर, एक्स कितने हैं 1, यहाँ पे 2 है ये, तो एक्स रेज टू पावर 4 आ गया और वाई रेज टू पावर भी 4 आ गया। हमारे पास नेक्स्ट जो लास्ट इसका पार्ट रहता है वो है वो पार्ट है ए ए 2b 3c, तो ए आ गया 2b आया 3c आया, ए मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई 3c एंड 6ab6। हम अब इसका इस क्वेश्चन का जो लास्ट और नेक्स्ट जो पार्ट रहता है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 वो पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी अगेन मल्टीप्लाई का ही क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट रहता है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो ये हमने डिवाइड कर लिया, मुझे मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो एक्स कितने हैं 2 बार, वाई कितना है 2 बार, जेड कितना है 2 बार, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर इज द आंसर। इसी का जो सेकंड पार्ट उधर राइट कर लेते हैं, हमारे पास सेकंड पार्ट में आता है a माइनस ए स्क्वायर और ए क्यूब, ए मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए क्यूब। लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था कि जब भी माइनस में टर्म्स होते हैं हम ब्रैकेट लगाते हैं, तो a रेज टू पावर 6 माइनस का a रेज टू पावर 6 माइनस का। अब मेरे पास कल नेक्स्ट और पार्ट है थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट रहता है इसका, थर्ड पार्ट में 2 4y 8y² and 16y³, तो मुझे 2 मल्टीप्लाई 4 वाई मल्टीप्लाई 8 वाई स्क्वायर 16 वाई क्यूब मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 8 8 8 64, वाई की पावर कितनी आ गई 3 5
6 मल्टीप्लाई 16, मुझे 64 को अब मल्टीप्लाई करना है 16, तो 64 मल्टीप्लाई 16 24, तो आगे आंसर हमारे पास 102 4y raised to power 6। इसके जो नेक्स्ट जो पार्ट रहते हैं हमारे पास दो, वो आपके लिए होमवर्क, अब मैं होमवर्क राइट कर रहा हूं जो इसका फोर्थ पार्ट है उस वो रहा ए टू बी थ्री सी सिक्स ए बी सी एंड इसका फिफ्थ पार्ट है एम माइनस एम एन एंड एम एन पी। हमारे पास हमने सारी की सारी पार्ट्स राइट कर लिए, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।